और भाई लोग, क्या हालचाल है, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी, एकदम सही साठ? तो यार आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि लड़कियों को यार किस ढंग के लड़के पसंद होते हैं। हाँ यार सच्ची मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारा आज का पोएम है ना, फॉर एन ग्रेगरी, या फिर तुम इसको ऐसे पढ़ सकते हो फॉर एनी ग्रेगरी, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है विलियम बटलर ईट्स, उन्होंने यार इसी चीज की बात की है इस पोएम में। तो तुम्हें अगर जानना है कि लड़कियों को किस ढंग के लड़के पसंद होते हैं तो यार लास्ट तक वीडियो में बने रहो। देखो जो हमारे पोएट है ना यार विलियम साहब, वो यार एनी को यही बात समझाना चाह रहे हैं कि लड़के तुम्हें क्यों लाइक करते हैं। वो एनी से कहते हैं कि कोई भी इंसान तुम्हारे इस गोल्डन ब्राउन हेयर से यार कभी भी निराश नहीं हो सकता है, जो कि तुम्हारे कानों को एक वॉल की तरह, एक दीवार की तरह ढक रही है, क्योंकि तुम्हारी ये जो जुल्फे हैं, आय हाय कसम से बहुत ही मस्त हैं। तो कोई भी इंसान यार तुम्हारे इन जुल्फों के कारण तो कभी निराश नहीं हो सकता है। और अगर कोई इंसान तुम्हें चाहता है और तुम्हें रिजेक्ट करने के बाद वो निराश हो जाता है, इसका मतलब समझ जाना कि वो तुमसे नहीं, तुम्हारे इन जुल्फों से प्यार करता था, तुम्हारे इस गोल्डन ब्राउन हेयर से प्यार करता था, न कि तुम्हारे विचारों से और न ही तुम्हारे सोचने के तरीके से। तुम किस ढंग से सोच रही हो, तुम्हारे क्या विचार हैं, तुम क्या क्या चीजें पसंद करती हो, इन सब चीजों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बस तुम्हें इसलिए चाहता है क्योंकि तुम काफी खूबसूरत दिखती हो। सही बात है यार। अच्छा तुम ही बताओ, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है तो तुम्हें उसके अंदर क्या अच्छा लगता है? अधिकतर लौंडे यही बोलेंगे कि भाई यार खूबसूरत थी यार वो तो। और यार यही चीज हमारे विलियम साहब यार एनी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इंसान तुम्हारी खूबसूरती के लिए चाहता है, ना कि तुम्हारे इनर ब्यूटी के कारण। डिस्पेयर का मतलब होता है सैडनेस, होपलेस। हनी कलर्ड यार गोल्डन ब्राउन या फिर येलोइश कलर को कहते हैं। और यार रैम्पर्ट्स का मतलब होता है यार लंबी सी दीवार, जो कि यार ग्राउंड के चारों तरफ से घेरी हुई रहती है। यहाँ पर इस वर्ड का इसलिए यूज किया गया है ना, क्योंकि यार जो एनी की जो बड़ी बड़ी बाल है यार, वो उसके कान को एक वॉल की तरह ढक रही है। इस लाइन का एक डीप मीनिंग ये भी निकलता है ना कि जो तुम्हारी इनर ब्यूटी है यार, उसको तुम्हारे आउटर ब्यूटी ने कवर कर रखा है, और इसीलिए लोग तुम्हारी इनर ब्यूटी को ना देखकर तुम्हारी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आगे एनी ग्रेगरी इस बात का अपोज करते हुए कहती है कि मान लिया कि लोग जो है वो मेरे गोल्डन हेयर को पसंद करते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं हेयर ड्रायर लाकर अपने इस गोल्डन हेयर को अलग अलग कलर में चेंज कर लूं, या तो मैं ब्लैक कर सकती हूँ, कैरेट कलर का कर सकती हूँ, या फिर मैं ब्राउन कर सकती हूँ। तो फिर जो लड़का जिसको मैंने रिजेक्ट किया है, वो तो मेरे इस हेयर से पसंद नहीं करेगा ना, वो मेरी अंदर जो इनर ब्यूटी है उसको पसंद करेगा। मैं चाहे बाहर से कैसे भी दिखूं, लोग मुझसे प्यार करेंगे, मेरी आत्माओं से प्यार करेंगे, आत्मों का मिलन। फिर यार हमारे विलियम भैया अपनी बातों को प्रूफ करते हुए कहते हैं कि कल रात को मैंने एक रिलीजियस इंसान से यह सुना था कि किसी बुक में, यानी कि किसी ग्रंथ में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल भगवान ही ऐसे हैं जो कि तुम्हारी ब्यूटी से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करते हैं। गॉड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो, वो तुम्हारे कर्मों से प्यार करते हैं, वो तुम्हारे विचारों से प्यार करते हैं। और यार मुझे ऐसा लगता है कि केवल भगवान ही नहीं बल्कि हमारे माता पिता भी यार हमसे प्यार करते हैं, न कि हमारी खूबसूरती से, कि किस ढंग से हम दिख रहे हैं। कभी तुमने ऐसा सुना है कि एक भाई गोरा था, एक भाई काला था, तो माँ जो है सिर्फ गोरे वाले को प्यार करती थी, काले वाले को प्यार नहीं करती थी? ऐसा थोड़ी ना होता यार, माँ तो सबको इक्वली प्यार करती है। और शायद हो सकता है कि इसीलिए माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। देखो यार एनी ये चाहती है ना कि कोई भी इंसान यार उससे प्यार करे, ना कि उसकी खूबसूरती से, ना कि उसके उस रेशमी जुल्फी बालों से। और यार एनी ही नहीं बल्कि अधिकतर लड़की यही चाहती है कि कोई भी इंसान, कोई भी लड़का उसको इसलिए प्यार करे क्योंकि वो उसके थॉट प्रोसेस मिलते हो, उसके विचार मिलते हो, उसके सोचने का जरिया मिलता हो, ना कि इसलिए प्यार करे कि वो खूबसूरत दिखती है। समझ में आ गया ना कि लड़कियों को किस ढंग के लड़के पसंद होते हैं? तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ना दोस्तों को शेयर मत करना, जान जाएंगे ये फार्मूला तो। ना ना भाई कर दे यार, पढ़ लेगा। अब यार मैं तुम्हें कुछ पोएटिक डिवाइसेस बता देता हूँ जो कि यार इस पोम में यूज हुई है। सबसे पहला है यार मेटाफोर, उसके बाद है यार एलिट्रेशन, तीसरा है यार एनाफोरा, और लास्ट में यार हमारे जो इस पोएम की राइमिंग है, राइमिंग स्कीम है यार, वो है ए बी सी बी डी बी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए बी सी बी डी बी, ये यार इस पोएम की रिदम है। और हाँ यार, अगर तुमने अपने भाई का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, भाई के चैनल को सब्सक्राइब मारो यार। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।